भाई ये स्टार का बहादुर लगा हुआ है। हम आज यहाँ पर मारुसफा ग्राउंड में आज दारुशफा ग्राउंड पर यहाँ पर एक इत्तेहाद के तौर पर हम सब जमा हुए हैं और अहले तशय्यु अहले तसल्लुक उलमा यहाँ पर जमा है ताकि सब मिलकर जो मरहूम वसीम वसीम ने जो जुर्म किया है उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और हम ये गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको फौरन इसको गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। ये ना सिर्फ ये तफरीखा पैदा कर रहा है बल्कि ये ऐसी नफरतों को दिलों में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कुरान मजीद पर नाउज़ बिल्ला कि 26 आयतें जो है उसको हद कर दिया जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, एक लफ्ज़ भी क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। वसीम रज़वी ना शिया है ना शिया था, उसको कौम से निकाल दिया गया था, वो खारजी है, वो मुसलमान नहीं है। वसीम रज़वी सिर्फ लड़ाना चाहता है, वो जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहा है और उसको वासिले जहन्नम होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की उस पर लानत है, बेशुमार उसमें ये हरकत की है उसने कि जो बताया है कि नऊज़ु बिल्लाह इस तरह से 26 आयत कुरान की हज़्फ़ कर दी जाए। तो हम ये कहते हैं कि कोई मुसलमान आलम दीन शिया आलम दीन कोई उसके साथ नहीं है, ना कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी शिया कोई उसके साथ नहीं है। हर किसी से पूछे वो यही कहेंगे कि उसने गलत इकदाम किया और वो वासिले जहन्नम है। हम ये मुतालबा करते हैं कि कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, कोई मुस्लिम आलम शिया आलम सुन्नी आलम कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े ना पढ़ाए और ना उसको कहीं पर शिया कब्रस्तान हो कि सुन्नी कब्रस्तान हो उसको दफन करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और एक पैगाम हम पहुँचा रहे हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं, हम बताना चाहते हैं इस मलून ने जो हरकत की है और वो अपने आप को शिया कहते हैं, खतअन खतअन वो शिया नहीं है, उसका कोई ताल्लुक शिया से नहीं है। और आप देखें आइम अथार की ज़िंदगी को देखें, आप किस तरह से तहफ़ुज़ शरीयत में और तहफ़ुज़ कुरान में अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है, किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल के ख़िलाफ़ आपने ताकत को उठाया है, किस तरह से इमाम हुसैन ने पैगाम दिया क़यामत तक के लिए कि किस तरह से आप हमेशा हक का साथ दें और हक ही बोलते रहें और बातिल परस्त ताकतों के साथ ना जाए। ये बातिल है, ये बातिल परस्त ताकतों का चेहरा है। कौन आले कार है इसके पीछे हमें नहीं पता, जो भी होंगे वो निस्त नाबूद हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश ट्रेवल्स के बाद अब रियल स्टेट में सुप्रीम फार्मलैंड ओपन प्लॉट्स और विलास नगद और आसान अक्सात के लिए अभी कॉल करें।